गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं एसके स्टडी में। आज पढ़ेंगे हम एज रिलेशन के बारे में। मैथमेटिक्स की क्लासेस में हम आज के पढ़ेंगे एज रिलेशन के बारे में। और आप लोगों को इस स्पीच पर ध्यान देना है कि अगर आप लोगों को एज रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हो, क्योंकि आपको सिक्वेंस से एक एक पार्ट और एक एक भाग के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे एज रिलेशन के कौन से पार्ट के बारे में, उम्र के योग के आधार पर सवाल। कौन से? सबसे पहला टॉपिक क्या है? उम्रों के योग पर आधारित प्रश्न। किसके? उम्र के, उम्रों के योग के आधार पर क्या पढ़ेंगे हम? प्रश्न पढ़ेंगे। हम आपको प्रश्न बोलेंगे भी और इस पर लिखते भी जाएंगे, ठीक है? इससे प्रॉब्लम ये नहीं होगी कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है? पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है? सॉल्व करते हैं पहला। चार भाइयों की एज का जोड़ कितना है? 56। चार भाइयों के योग का जोड़ कितना है? 56। और इनमें समान अंतर है, अंतर कितना है? 4 सालों का। ठीक है, ये दो पॉइंट है इसमें, इस सवाल में कि चार भाइयों की एज का जोड़ कितना है? 56 है। और इनका इनका समान रूप से अंतर कितना है? समान रूप से अंतर है इन लोगों के बीच में 4 वर्ष का, ठीक है? मतलब सभी भाइयों में कितने 4-4 साल का क्या है, डिफरेंस है। तो हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करके बताना है कि इसमें किस टाइप से ये सवाल होगा, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं इस सवाल के द्वारा, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम चार भाइयों की एज को मानेंगे, ठीक है? सॉल्व करेंगे सीधा। चार भाइयों की एज कैसे होगी? एक की एक्स होगी, एक्स प्लस फोर, ये पहले की है, ये दूसरे की है, ठीक है? प्लस x+8, ये तीसरे की है, प्लस x+12, ये चौथे भाई की क्या है, एज है, ठीक है? इस चीज़ को बताया गया। उसके बराबर में कितना, इनका जोड़ कितना है? 56। कितना जोड़ है इनका? 56 इनका जोड़ है। तो आप क्या कर सकते हो, इस टाइप से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। पहले भाई की एज कितनी है? एक्स। दूसरे की x+4, तीसरे की x+8, चौथे की x+12। 4-4 साल का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। आप क्या करेंगे, इन सबको सॉल्व करेंगे। 1, 2, 3, 4, तो 4x+8, 4, 12। 8, 4, 12, 12, 2, 24। 24 = 56। 4x = 56 - 24 कितना बचा? 2, 3। 4x = 32। तो इसका आंसर कितना होगा, देखिए, 4×8 = 32। कितने? 4×8 = 32। तो क्या होगा, पहले भाई दूसरे भाई और तीसरे भाई की उम्र बताते हैं, ठीक है? ठीक है, इनके क्या करते हैं, उम्रों के बारे में आपको बताते हैं। एक्स का मान कितना निकला? 8। तो पहले भाई की उम्र कितनी है? 8, क्योंकि यहाँ पे कितना था, x = 8। x+4 कितना हो गया? 12। x+8 = 16। x+12 = 20। तो इनकी आयु कितनी है, पहले भाई की आयु 8 साल, दूसरे की 12, तीसरे की 16, चौथे की 20 साल। सबसे बड़े भाई की एज कितनी है? 20 साल। और सबसे छोटे भाई की एज 8 साल, ठीक है? तो इस टाइप से क्या हो गया, ये सवाल सॉल्व हो गया। इसमें आप लोगों को, हमें तो नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है? इसमें इसी टाइप से क्या होगा, ये सवाल किए जाएंगे। आप लोगों को एक बार और समझाते हैं। चार भाइयों की एज का जोड़ कितना है? 56 है। इनमें 4 साल का अंतर है। तो हमें क्या बताना है, सभी भाइयों की
एज बतानी है। इसके तहत हम इसी को देखेंगे, चार भाइयों का एज में जोड़ा कितना है 56, अंतर कितना है सभी भाइयों में समान अंतर है चार चार साल का, तो x प्लस फोर एक्स, एक्स प्लस फोर एक्स प्लस एट एक्स प्लस ट्वेल्व बराबर 56। सॉल्व करेंगे x बराबर 8, x की जगह 8 रखेंगे, x प्लस फोर की जगह 4 जोड़ के रखेंगे, इस तरह ये सवाल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें लगता नहीं है कि आप लोगों को इसमें कुछ और समझाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को देखिए कितना भी अच्छी तरह से आप कोई भी सवाल हो तो उसमें जो पॉइंट होते ना वो छोटे छोटे पॉइंट को क्या करना चाहिए, वो करने चाहिए। ठीक है, उसी पॉइंट से क्या होता है सवाल बनते हैं। अब पूरा सवाल लिखते उससे अच्छा है तो उसमें जो पॉइंट आए हैं वो लिख दीजिए, इससे क्या होगा इससे सवाल जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, और आप लोगों को ये कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को लूसेंट मिल जाएगी, साइंस मिल जाएगी, और इसमें अभी और वीडियो डालना बाकी, इसमें और संविधान वगैरह भी सब कुछ ऐड कर दिया जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं सेकंड सवाल की ओर। ठीक है, इसमें क्या है, पिता और पुत्र की आयु का योग, सवाल पढ़ देते हैं पहले। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। ठीक है, यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी हो जाती है तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। ठीक है, पहले देखते हैं पिता और पुत्र की आयु। आयु या एज कितनी है, योग, आयु का योग 60। ठीक है, और 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से, ठीक है पिता की आयु है वो पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी, छः वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी, मतलब कि पिता की आयु थी वो पुत्र की आयु से, तो ऐसे लिखेंगे इसको x मानेंगे इसको y, तो पिता की आयु कितनी 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व। ठीक है, पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी थी 5 गुना थी। ठीक है, कितनी थी 5 गुना थी। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद, ठीक है तो अपन को 6 वर्ष बाद निकालना है। ठीक है, 6 वर्ष बाद क्या निकालना है, इनका वो निकालना है कि इनका 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। ठीक है, दोनों की एज बताएंगे हम आपको। ठीक है, पिता को माना x, पुत्र को माना y, x और ये y, 6 वर्ष पूर्व बोलना है, वर्तमान आयु का क्या है योग है। ठीक है, तो इसमें ही मानते पर लोग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, इसमें लिखेंगे वर्तमान आयु कितनी है, x प्लस वाई बराबर 60 और x माइनस 6 बराबर 5 वाई माइनस 6। इसमें से दोनों में से कोई एक मान रख दीजिए, पर लोग x की जगह क्या रख देते हैं, मान रख देते हैं, x की जगह रख देते हैं 60 माइनस वाई माइनस 6 और जी इंटू कर देते हैं 5 6 30, 56 माइनस वाई बराबर 5y-30। ठीक है, और 30 इस तरफ आएगा तो कितना हो, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, यहीं लिख देते हैं 56 प्लस के 305y प्लस के y। ठीक है, 6y बराबर 6 8, कट रहा है जी, 6 एकम 6, ठीक है 6 से नहीं कट रहा है ये, पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। ठीक है,
एक मिनट रुकना। ठीक है, इसमें देखिए सब जगह सॉल्विंग सही है। देखिए एक्स वाई, ठीक है, समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो, इसमें इसमें ये सीधा सीधा एक काम करते हैं, इसको समीकरण बना लेते हैं। ठीक है, ये भी समीकरण सही है, मगर इसको सीधा सीधा क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं यहाँ से। ठीक है, क्यों बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एक जिस समीकरण है, ठीक है, इसको समीकरण के रूप में करेंगे आप। ऐसा है, एक्स माइनस सिक्स बराबर फाइव बाई माइनस छः पंचे तीस, एक्स बराबर फाइव बाई सिक्स उस तरफ गया, माइनस के थर्टी प्लस के सिक्स कितना हो गया, एक्स बराबर माइनस फाइव बाई बराबर ट्वेंटी फोर। ठीक है, ये क्या हो गया, अपना समीकरण बन गया। ठीक है, ये समीकरण बनेगा, ये समीकरण है, जिसमें अपन दोनों समीकरण क्या करते हैं, तुलना करते हैं। क्यों कर रहे हैं समीकरण से, क्योंकि इसमें कुछ सवाल ऐसे हार्ड टाइप में, देखिए तो इसमें क्या करेंगे, x की जगह ये रख देते हैं, इसकी जगह x रख देते, इसकी जगह रख देते हैं। ठीक है, x बराबर रखते हैं 60 माइनस y, समीकरण दो में x का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण दो में x का मान दो ये है, एक ये है, x बराबर आएगा इसमें 60 माइनस y माइनस के 5y बराबर के 24, ये कितना हो गया 60 माइनस के 24 उस तरफ चला गया 6y, ये माइनस करोगे कितना आएगा, ये आएगा 6। ठीक है, पाँच में से दो गए 36, 36 छः छिंग 36। ठीक है, बच्चे की उम्र कितनी है, 6 साल, उसमें वो भी समीकरण हो जाता, मगर वो बहुत ज़्यादा क्या होता, डिफ़िकल्ट हो रहा था, उसमें माइनस प्लस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा था। वैसे चीज़ तो हर कोई सॉल्व थी, क्योंकि इसमें था 86 और अपॉन 6, तो ये नहीं हो रहा था, मगर इसे समीकरण से सॉल्व किया तो क्या हो गया, फट से सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो कितना है वाई बराबर, अभी बच्चे की वर्तमान उम्र कितनी है, 6 साल, तो पिता की उम्र कितनी होगी, 56 साल। ठीक है, अब इसमें 6 वर्ष बाद निकालनी है। ठीक है, ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 36 नहीं आएगा, ये 14 आएगा। ठीक है, गलती आप लोगों से भी होती है, गलती हमसे भी होती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सॉल्व आपके सामने है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने पहले सॉल्व करके देख रहा हूँ। ठीक है, मगर कहीं ना कहीं गलती क्या होती है, कहीं ना कहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपने पास सवाल हो गया। ठीक है, तो बच्चे की उम्र कितनी है, 14 साल, तो पिता की उम्र कितनी है कि 46 साल, यहाँ पर लिखते हैं। फादर की एज कितनी है, 46, और सन की कितनी है, 14, ठीक है, 14। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 6 वर्ष बाद तो मतलब 6 जोड़ देंगे, 12 52, और ये कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी इन लोगों की उम्र, एक की हो जाएगी, पिताजी की हो जाएगी 52, और पुत्र की हो जाएगी 20 साल, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप लोगों के सामने ये पूरा सवाल सॉल्व है। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, जो आप लोग देखोगे तो आप लोग कहोगे सर एक कठिन करते हुए सारे आपको कठिन करा देंगे और एक सरल करा देंगे बीच में, जिससे ये आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कहीं। कोई भी चीज़ सीखो यार, अच्छे से सीखो, ये नहीं है कि मतलब उस चीज़ को आप लोग आधा छोड़ के चले जाओ। एक बार दो बार प्रॉब्लम हुई, ऐसा तो है नहीं कि वीडियो बंद करके आपको दोबारा से शूट की हो, प्रॉब्लम हुई तो हुई, आपको भी हो सकती है, हमें भी हो सकती है। ये वाला सवाल अच्छा था, बिताने वाला क्वेश्चन था। एक पिता
और पुत्र की वर्तमान आयु? वर्तमान आयु 1 साथ या योग कितना है? 46। क्या एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का ये 46 है? 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुना थी, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो अपन क्या मानते हैं? पहले x और y मानते हैं, इसको इनको x इनको y। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु से कितनी थी? 11 गुना थी। इस टाइप से लिख सकते हैं, पिता की आयु 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु से कितनी? 11 गुना थी। तो पुत्र की भी आयु 5 वर्ष पूर्व की गिनी ना उसने। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये कौन सा सवाल है? ये है 3रा सवाल। आप लोग इतने पेन इतने मार्कर इसलिए यूज़ करके बताते हैं कि आप लोगों को एक एक पॉइंट क्या हो अच्छे से क्लियर हो, समझ में आए। ऐसा ना हो कि कोई क्लियर नहीं हुआ और तो फिर आप लोग प्रॉब्लम में हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो पहला क्वेश्चन इसमें, हाँ अब करते हैं सॉल्व। सॉल्व में पहले एक्स प्लस वाई बराबर 46, दूसरा समीकरण क्या है? एक्स माइनस फाइव वाई बराबर 11 वाई माइनस, सॉल्व करते हैं, 11y माइनस 55। ठीक है, x बराबर माइनस 11y, एक काम करते हैं प्लस के 50। ठीक है, ये आ गया मान, ये आ गया मान, समीकरण एक और समीकरण दो। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, x का मान इसमें रखेंगे। x का मान कितना आएगा? 46 माइनस y बराबर 11y माइनस 50, सॉल्व करेंगे 46 प्लस के 56 बराबर के 12y, एक जुड़ जाएगा वो यहाँ पे घट जाएगा। ठीक है, ये तो आपने पढ़ी होगा, 6 6 12 2 हंसला 1 5 5 10 100, वो कहीं गलत हो रहा है सॉल्व। ये 50 है, ये 56 नहीं है भैया, हम कह रहे हैं कहीं गलत हो रहा। ठीक है, ये 50 है, ये 96 हो गया, तो 12 8 96। ठीक, कितना? 12 8 96। ठीक है, ये हो गई पुत्र की आयु, और पिता की आयु कितनी होगी? इसमें से 8 घटा दो, पिता की आयु होगी इसमें 8 घटाओगे 38, और 6 वर्ष बाद कितनी आयु होगी? इसमें 6 6 जोड़ दीजिए, 6 4 14 44। 6 वर्ष बाद पूछी थी इनकी आयु का योग कितना होगा, तो आप लोगों के सामने स्टूडेंट है कि इनकी आयु का योग इतना होगा, और आप लोगों को पता है कि ये सवाल कितने अच्छे तरीके से क्या हुआ, सॉल्व हुआ। इसी टाइप से आप लोगों के सवाल दर पदर क्या होते आएंगे, सॉल्व होते आएंगे। 3 सवाल बता दिए आप लोगों को, अगर आप लोगों को और करना है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों कमेंट में आप लोगों को पूरे सवालों की फ़ोटो इंस्टा या फेसबुक पे दी जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो आप लोगों सवाल मैं नहीं दूंगा। फिर आप एच डी यादव किसी भी बुक से इन सवालों को लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस सिर्फ कौन सा लगाना पर उम्रों को योग हुए, उम्रों के योग के आधार पर प्रश्न। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।